महाकाल बाबा कथा महोत्सव में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर हुआ श्री कृष्ण जन्मोत्सव सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे में चल रही महाकाल बाबा कथा महोत्सव में श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्म की कथा का महत्व तो बताते हुए राष्ट्रीय संत दिव्य मुरारी बापू ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बाबूजी ने बताया, वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था, उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा, जिस पर वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ। उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। कार्यक्रम के दौरान विष्णु मासलपुरिया, वीरेंद्र दीवान, सतीश गर्ग, संतोष जिंदल, रोशनलाल गर्ग, महेंद्र जिंदल, जगदीश बंसल सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से शिवम दीवान संवाददाता। कि सरमथुरा नगर फिर आने का मौका मिले। अभिनंदन में स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ भक्त माता मैंने भेंट पूजा भी लाकर रोज आते हैं, वह कैसे चढ़ाएंगे इस भीड़ में, तो आप ध्यान रखिएगा। जैसा व्यवस्था होगा मैं तो नीचे सामने से या तो मंच पर जैसी हमारी समिति कृष्ण भगवान की पूजन करें। यजमान परिवार आपकी जगह जो भी बैठे हैं आप एक बार प्रणाम कर लें, फिर एक साइड।